कर दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आई होप आपने वन प्लस नॉर्ड की अनबॉक्सिंग देखी रहेगी। काफ़ी चैनल्स पे काफ़ी लोगों ने उसकी अनबॉक्सिंग की हुई है एंड उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्विकली। अभी बिफोर दैट, ही इज़ माई सन अर्जुन। एक्चुअली जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि जब भी मैं अनबॉक्सिंग करता था या फिर कुछ स्टफ़ करता था तो ये मेरा बेटा तभी 2 साल का था, बाजू में आके बैठता था। अभी वो 4.5 साल का हो गया, सो इट्स गोइंग अप। बट उसको स्टिल लाइक एक्साइटमेंट रहती है, तो इसलिए मैंने उसको बिठा दिया आज वीडियो शूट करने के टाइम। अदरवाइज नो स्पेशल इंटेंशन। और अगर वन प्लस नॉर्ड की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस तो काफ़ी अच्छे दिए वन प्लस ने, मतलब लेकिन आप उसको ओप्पो रिनो 3 के साथ ज़रूर कंपेयर करना। जाके सर्च करिएगा गूगल में ओप्पो रिनो 3 कैसे दिखता है, आपको सिमिलर डिज़ाइन मिलेगा वन प्लस नॉर्ड का भी। ओके, दैट्स अपार्ट, क्योंकि वो दोनों मतलब एक ही कंपनी के सब ब्रांड्स है, दैट्स थिंक। चलो ठीक है, वो तो बात ठीक है। स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब हमको 90 हर्ट्स का मिलता है डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। लेकिन वो जो पंच होल का जो कटआउट है ना ड्यूएल कैमरा का, वो बहुत ही इरिटेटिंग है। मैं क्यों इरिटेटिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद गैलेक्सी S10 Plus यूज़ करता हूँ और मुझे पता है कि वो जो भी ड्यूएल कट का जो पंच आउट है, जब भी हम लोग कोई फुल स्क्रीन में वीडियोज़ देखते हैं ना, वो काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। मतलब उतना वीडियो तो कट होता ही होता है, बट नेवर द लेस प्राइस काफ़ी अच्छी रखी है। हम लोग तो पहले दिन से ही बता रहे थे कि इसकी प्राइस 25,000 रहेगी करके, लेकिन उसमें भी एक कैच है। जो 25,000 का जो वर्जन है वो आपको मिलेगा सितंबर में, मतलब आज से लगभग 1.5 महीने के बाद। और जो आपको 4 अगस्त को जो पहला वर्जन मिलेगा वो रहेगा 8 GB और 12 GB का। वैसे 12 GB आपको 6 अगस्त के साथ मिलेगा, तो तकरीबन आज से 15 दिन के बाद समझ लो कि आपको मतलब वो सेल स्टार्ट होगा, फ्लैश सेल। मतलब वन प्लस चाहता है कि आप उनका 27-28,000 वाला डिवाइस पहले परचेस करो, वो जो 25,000 वाला डिवाइस है वो बाद में परचेस करना करके सितंबर में। तो ये जो चीज़ है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब वन प्लस ने भी मतलब शाओमी रियलमी जैसा ही कुछ खेल खेला है। आफ्टर ऑल दे ऑल आर चाइनीज़ ब्रांड। मुझे पहले एक्चुअली ऐसे लगता था कि वन प्लस थोड़ी एक प्रोफेशनल काइंड ऑफ कंपनी है, और वो जो भी मतलब करती है वो काइंड ऑफ प्रोफेशनल रहता है, चिंदीगिरी नहीं करती है लाइक रियलमी बोलिए, शाओमी, ओप्पो। लेकिन ये फ्लैश सेल तक तो ठीक था, लेकिन ये 25,000 वाला जो वेरियंट है वो आपको सेप्टेम्बर में मिलेगा, दिस इज़ नो वेयर। मतलब ये तो कुछ मतलब बहुत बड़ी जिंदगी है। मतलब आई फ्रेंकली स्पीकिंग जो है वो है, मुझे ब्रांड अच्छा लगता है, वो उनसे फ़ोन्स के काफ़ी अच्छे हैं, बट ये जो खेल खेला है इंडियन कस्टमर के साथ या कंज्यूमर के साथ, आई एम नॉट इम्प्रेस। आई मीन आप बताइए कौन वेट करने वाला है 1.5 महीने, जो ऑलरेडी मतलब 1 महीने से वेट कर रहे थे वन प्लस नॉर्ड के लिए कि भाई वन प्लस नॉर्ड आएगा, हम लोग 25,000 तक फ़ोन परचेस कर लेंगे, उनको और मे बी 2 महीना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लैश सेल में तो किसी को मिलेगा नहीं 6 GB वाला वेरियंट। तो 1-2 फ्लैश सेल वैसे ही वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक करते करते। तो ऑलमोस्ट आप समझिएगा ना, आपको 2 महीने तो मतलब लग जाएंगे अर्जुन था, तो आप समझिएगा आपको 2 महीने एक्चुअली लग जाएंगे इस पर्टिकुलर फ़ोन को मिलने के लिए। और मेरा तो यही मानना है, आप क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर वन प्लस के स्ट्रैटेजी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी कल की वीडियो में हम लोग लेते हैं वन प्लस नॉर्ड के बारे में और डिस्कशन करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।